ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। मुमरा के चरनीपाड़ा में बाला मंजिल इमारत के पहले मंजिले पर TMC के अतिक्रमण विभाग के अमित गडकरी और जितेंद्र सावले ने कार्रवाई की है। 18 कॉलम गैस कटर से काटकर सरिये को अपने कब्जे में ले लिया गया है। मुंबई के कांजोली में शताब्दी हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। सुबह के वक्त डॉक्टर और नर्स के साथ अस्पताल में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई। दो महिलाओं समेत अस्पताल के कर्मचारी भी घायल हैं। डॉक्टर ने वहीं पुलिस में FIR दर्ज करा दी है, तो पुलिस अब आगे की इस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में ALT बालाजी बैनर तले बन रहे सीरीज फिक्सर की शूटिंग के दौरान शूटिंग कर रहे सदस्यों पर हुए हमले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घोड़बंदर पर मंगलवार को शूटिंग के दौरान कुछ लोगों ने हमला किया था। इस हमले को लेकर अभिनेत्री माही गिल ने CM फडणवीस से भी मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में GRP सिपाही को 2 रेल यात्रियों ने बुरी तरह से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरक्षण काउंटर पर अनियमित यात्री खड़े थे। GRP का सिपाही जब इन्हें समझाकर हटाना चाहा तो बात बढ़ गई और दोनों यात्रियों ने सिपाही की पिटाई कर दी। पुलिस ने दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया है। BMC की कमेटी ने दुकानों के बाहर लगे अवैध मैनिक्विन को हटाने का फैसला लिया है। BMC के इस फैसले से दुकानों में खुलेआम महिलाओं के बिकने वाले लॉन्जरी नहीं बिकेंगे। BMC लॉ कमेटी के चेयरमैन और शिवसेना नगर सेवक शीतल महात्रे ने BMC प्रशासन को मैनिक्विन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।